गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? गुड, वेरी गुड. स्टूडेंट्स, हाउ वॉज योर एग्जाम्स? डिड यू राइट वेल? गुड. लेट अस ऑल थैंक गॉड एंड स्टार्ट आवर वर्क विद प्रेयर. We'll start our new chapter, chapter 11, metric measures. You all open page number 118. Now warm up. Ram, a tailor, stitches shirts for children for Deepavali celebration. He needs 1.5 meter of cloth for each child. Ram, tailor, बच्चों के लिए दीपावली celebration का शर्ट्स सील रहा है. ही नीड्स 1.5 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर ईच चाइल्ड. एक बच्चे का शर्ट सिलने के लिए इन्हें 1.5 मीटर क्लॉथ की जरूरत है. इफ ही वॉन्ट्स टू स्टिच 50 शर्ट्स, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ही नीड्स टू बाय? अगर ए टेलर 50 शर्ट्स सिलना है तो हाउ मच टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ही needs to buy? कितना टोटल कपड़ा चाहिए इसे वो शर्ट्स सिलने के लिए? Can you help Ram? Yes. Cloth for one shirt is equal to 1.5 meter. Cloth for 50 shirts is equal to 1.5 meter multiply 50 equal to 0 ka 0, 5 5s are 25, 2 carry, 5 1s are 5 plus 2 7, decimal 0.1 hai, to hum decimal yahan pe laga liye. So how much cloth is required to stitch 50 shirts? 75 meter cloth चाहिए. Now metric measures. The metric system of measurement which is used all over the world is based on the decimal system. The three basic units used in this system of measurement are length, meter, for weight, gram, for capacity, liter. Let us discuss in detail. We will discuss units of length, units of weight or mass, units of capacity. These are the 7 units of length. सबसे पहले हम length का units read करेंगे. हम descending order में read कर रहे हैं. Basic unit of length is meter. What is the basic unit of length? Meter. These are the bigger units. मीटर के नीचे जो लिखा है हमें, these are the smaller units of length. बट bigger units के साथ भी and smaller units के साथ भी मीटर add करके read करना है हमें. Biggest unit of length is kilometer. Biggest unit of length is kilometer. Basic unit is meter.
एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज मिलीमीटर। किलोमीटर एंड मिलीमीटर के बीच में और भी यूनिट सही है, चेक करें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और एक बार रीड करें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ वेट, सेम यूनिट्स हैं, सिर्फ बेसिक यूनिट चेंज हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम। बेसिक यूनिट क्या है बेटा? ग्राम। बिगेस्ट यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। नेक्स्ट हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट इज मिलीग्राम। एक बार और रीड करो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज किलोलीटर एंड बेसिक यूनिट इज लीटर। स्मॉलेस्ट यूनिट इज मिलीलीटर। बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज किलोलीटर। नेक्स्ट हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर्स। नाउ पेज नंबर 119, एक्सरसाइज 11.1। चूज द अप्रोप्रिएट मेट्रिक यूनिट ऑफ मेजर्स। बेटे यहाँ पे हर क्वेश्चन का टू ऑप्शंस गिवन है, इसमें से जो ऑप्शन सही है उस पे आप टिक लगाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर इन अ बकेट। अगर बकेट में वाटर है तो मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? लीटर्स, मिलीलीटर्स। बकेट बड़ा है सो हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? लीटर्स। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। अगर टू सिटीज के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना है तो विच यूनिट इज यूज टू मेजर? मीटर्स, किलोमीटर्स। मीटर्स हम कब यूज करते हैं? जो स्मॉल डिस्टेंसेस है उसे हम मीटर्स में मेजर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक बिटवीन टू सिटीज हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? किलोमीटर्स। थर्ड, स्पीड ऑफ ए कार। कार का स्पीड हम किस में मेजर करेंगे? मीटर स्लैश यस मींस मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आर। कार का स्पीड हमेशा हम किलोमीटर पर आर मेजर करेंगे। नेक्स्ट, सिरप इन अ टीस्पून। टीस्पून में जो मेडिसिन है उसे हम कैसे मेजर करेंगे? मिलीलीटर्स में या लीटर्स में? हमेशा सिरप टीस्पून में मिलीलीटर्स से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट। ये तो अच्छी तरह पता चल गया आपको, शर्ट के लिए क्लॉथ हम किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर्स या मीटर्स? गुड, मीटर्स में। नेक्स्ट, वेट ऑफ ए चाइल्ड। बेटा जैसा आपका भी स्कूल में वेट मेजर करते हैं तो मैम किस में बताती है आपको? ग्राम्स में या किलोग्राम्स में? वेरी गुड, किलोग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ ए पेंसिल। किस में देखते हैं हम, सेंटीमीटर या मीटर? नाइस, सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन 8, वाटर इन अ फिश टैंक। फिश टैंक, फिश टैंक का वाटर लीटर्स या मिलीलीटर्स? अभी हमने सिरप इन अ टीस्पून मिलीलीटर्स में मेजर किया,
तो फिश टैंक का वाटर हम किस में मेजर करते हैं? लीटर्स। इज इट क्लियर? दिस इज यूनिट टावर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लेंथ। ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा, पहले हम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट लर्न किए थे। यहाँ पे मैं आपको यूनिट समझा दूंगी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज मिलीमीटर। मिलीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है एमएम, मिलीमीटर्स। सेंटीमीटर सीएम, डेसीमीटर डीएम। हर जगह हम इतनी बड़े बड़े स्पेलिंग्स तो लिख नहीं सकते, तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। मिलीमीटर का एमएम, सेंटीमीटर सीएम, डेसीमीटर डीएम, मीटर एम, डेकामीटर डीएएम, हेक्टोमीटर एचएम, किलोमीटर केएम। हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे। डेसीमीटर डीएम, यहाँ पे टू लेटर्स है ये। डेकामीटर, ये बिगर यूनिट है ना मीटर से, सो यहाँ पे डीएएम, यहाँ थ्री लेटर्स है, हम थ्री लेटर्स से शो करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड द कन्वर्जेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेयरकेस। Look at this staircase. Here all units are mentioned, bigger unit to smaller unit. This is basic unit. Basic units हमने क्या read किया अभी? For length meter, for weight gram, and for capacity liter. बेटा यहाँ basic units से लेके हर unit, चाहे bigger units ले लो या smaller units की तरफ है, difference between दो यूनिट्स के बीच का वैल्यू है 10 यूनिट्स है। बेटा आपकी बुक में 119 पेज में एक प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन है, इसी प्लेस वैल्यू चार्ट को मैंने इस स्टेयरकेस में शो किया है। नाउ बेटा ये प्लेस वैल्यू चार्ट और ये स्टेयरकेस दोनों कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो आपका पॉइंट, पॉइंट से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स आपकी प्लेस वैल्यू चार्ट में गिवन है ना, ये यहीं पे भी शो हो रहा है। ये जो भी बेसिक यूनिट है, मीटर, ग्राम या कैपेसिटी, इनमें से जो भी है ये, दैट इज वंस प्लेस हो गया। फिर उससे बड़ा कौन सा हो गया? डेका। डेका ये टेंस प्लेस में। नेक्स्ट हेक्टा वाला हंड्रेड प्लेस में। नेक्स्ट बिगेस्ट यूनिट है किलो, थाउजेंड प्लेस हो गया था। ऐसा ही बेसिक यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स देखो, यहाँ पर पॉइंट, डेसिमल के बाद वन टेंस, वन हंड्रेड्स, वन थाउजेंड गिवन है ना। ऐसा ही यहाँ पे बेसिक यूनिट से लेकर डेसीमीटर तक 10 यूनिट्स डिक्रीज हो रहा है, सो वैल्यू 1/10 हो गया। ऐसा ही बेसिक यूनिट से सेंटी, सेंटीमीटर या ग्राम, लीटर जो भी है, सेंटी तक आते हंड्रेड, टेन मल्टीप्लाई टेन, हंड्रेड टाइम्स डिक्रीज हो गया, सो इसका वैल्यू 1/100। नेक्स्ट मिली, मिली तक आते आते टेन, 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 थाउजेंड, इट मीन्स मिली तक थाउजेंड टाइम्स डिक्रीज हो गया बेसिक यूनिट से, इसलिए ये 1/1000 प्लेस हो गए। बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, क्योंकि हर स्टेप का वैल्यू 10 यूनिट्स है। जितनी स्टेप उतरेंगे उतनी बार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोलीटर टू डेकालीटर्स कितना है? 1 किलोलीटर, यहां से यहां तक 1 स्टेप, यहां से यहां तक 2 स्टेप्स हो गया। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 100 डेकालीटर्स। ऐसा ही हम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट के लिए अगर कन्वर्जन करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सेम वही 10 से। जितनी स्टेप्स हम ऊपर चढ़ेंगे उतनी बार 10 से हम डिवाइड करेंगे। नाउ पेज 121 एक्सरसाइज 11.2। कन्वर्ट द फॉलोइंग। पार्ट ए, 3 किलोमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर्स। बेटा यहाँ पे 3 किलोमीटर्स को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, किलोमीटर टू सेंटीमीटर्स। आप सबको अब आगे आएंगे यूनिट्स, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तक हमने यूनिट्स लिख लिया। अब देखो किलोमीटर टू हेक्टामीटर 10 यूनिट्स, हेक्टामीटर टू डेकामीटर 10 यूनिट्स, डेकामीटर टू मीटर 10 यूनिट्स, मीटर टू डेसीमीटर 10 यूनिट्स, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर 10 यूनिट्स। 1 किलोमीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हो गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई करें। वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई 10, 100, 1000। मैंने बोला है ना, यूनिट्स को देखना पड़ेगा आपको, यूनिट्स किलोमीटर से सेंटीमीटर तक। 1, 2, 3, 4 देन 5, 5 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई करो, 1, 5 टाइम्स 0, 1 लाख सेंटीमीटर्स हो गया। कितना हो गया, 1 लाख सेंटीमीटर्स, किलोमीटर टू सेंटीमीटर। अब हमें कितने किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, 3 किलोमीटर्स को। 3 किलोमीटर्स इक्वल टू 3 × 1 लाख इक्वल टू 3 × 1 = 3, जितनी जीरो से वी हैव टू पुट 0, 0। यूनिट सीखना बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने सेंटीमीटर्स लिख लिया, तो 3 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 3 लाख सेंटीमीटर्स। इज इट क्लियर? नाउ पार्ट बी, पार्ट बी में भी हम 52 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, यूनिट्स लिखो यहां पे भी। आप चाहे बेटा ऐसा लाइन में लिख सकते हो, नहीं तो वर्टिकल वे में भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर तक कन्वर्ट करना हमने। 10, 10, 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर, 10 × 10 = 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो 52 मीटर इक्वल टू 52 × 100। वी पुट 2 जीरोस, 1 2 = 2 एंड 1 5 = 5। 52 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 5200 सेंटीमीटर्स। आपको ऐसे यूनिट्स लिखोगे तो कन्वर्ट करना बहुत इजी लगेगा बेटा। चाहे आप हॉरिजॉन्टल वे में यूनिट्स लिख सकते हो, चाहे आप वर्टिकल वे में यूनिट्स लिख सकते हो, ठीक है। होमवर्क फॉर टुडे इज रिवाइज द वर्क वी हैव डन इन दिस वीडियो।
स्टूडेंट्स डू यू नो वॉट इज ऑन 22nd December? सोचो, इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन. एंड डू यू नो आज आर क्या स्पेशल है? 22nd December इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे. द डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह टू ऑनर द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी. द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैथमेटिक्स. डिड यू नो दिस? दिस इज ऑल फॉर टुडे. स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. थैंक यू.